हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल सा एक योगा क्रिया लेके आई हूँ, जिसको करने से आपका जो कमर है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, आपका पेट अंदर हो जाएगा, आपकी जो गैस संबंधी दिक्कत है वो दूर होंगी। क्योंकि अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हो लेकिन आपका खाना अच्छे से पचता नहीं है, आपको गैस बनता है, तो आपका मोटापा कभी कम नहीं होगा। क्योंकि जो खाना आपको पचेगा ही नहीं, वो सड़ेगा और वो फैट बनेगा। तो आज की जो योग क्रिया है, बस ऐसे तो पाचन संबंधी बहुत सारे योगा आसन है जो आप करके अपने पाचन को ठीक कर सकते हो, अपने कमर को पतला कर सकते हो, लेकिन उन सब में आज मैं एक बस ऐसा योग क्रिया लेके आई हूँ जिसको करने से आपके कमर भी पतला होगा, आपका मोटापा दूर होगा, आपका पाचन संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी। बस एक योग क्रिया आपको करना है। जैसे शशांक में भुजंग आसन जो हम लोग करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया था, उसमें पैरों को सीधा करके भुजंग आसन करते हैं, आज हम पैरों को थोड़ा फोल्ड करके करेंगे। तो बस इसमें इतनी सावधानी रखनी कि जिनको घुटनों में दर्द है वो इस आसन को ना करें। तो चलिए हम लोग इस योगा आसन को स्टार्ट करते हैं और अपने कमर को पतली करते, अपने पेट को अंदर करते, अपने पूरे शरीर के मोटापे को हमेशा के लिए खत्म। मैं इस एक्सरसाइज को करना कैसे, इसमें आपको भुजंग आसन में बैठ जाना है इस तरीके से पैर मोड़ के, और भुजंग आसन में बैठने का प्रैक्टिस हमेशा करें, क्योंकि इस तरह से बैठना ही बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, पाचन संबंधी के लिए। और इस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर इस तरह से बैठने में आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे एक तकिया लगाकर आप खाना खाने के बाद 5 मिनट बैठ सकते हैं। तो आपको पहले इस तरह से भुजंग आसन में बैठना है, फिर आराम से हाथों को आगे करके जैसे शशांक आसन हम लोग करते हैं इसमें आना है, और इस तरीके से उठ के जो भुजंग आसन में आते थे, तो इस तरीके में आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलग करना है। जैसे हम लोग इस तरह से बैठ गए भुजंग आसन में, हाथों को आगे किए, शशांक आसन में आए, उसके बाद जो भुजंग आसन में इस तरह आएंगे तो पैरों को इस तरीके से फोल्ड करके मोड़ते हुए आना है, सिर को ऊपर की ओर इस तरह से। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा कमर में दर्द है वो ऐसा ना करें, और जिनको घुटना में दर्द है, जिनको हल्का फल्का दर्द है वो कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके कमर पे भी खिंचाव आता है, जोर पड़ता है। तो इस तरीके से आपको करना है, जैसे सांसें छोड़ते हुए नीचे, सांसें भरते हुए ऊपर की ओर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से आपको पैरों को मोड़ के करना है, और इससे आपके कमर पे बहुत ही अच्छा असर होता है, आपके बाजुओं पे होता है, आपके पेट पे होता है। तो इस तरह से आप 1 मिनट से 2 मिनट सिंपल सा आपको वन योगा करना है। आप अगर रोज एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो उसमें बस एक ये योगा को आप शामिल कर ले, या फिर आप अलग से भी इसे कर सकते हैं। जैसे शुरू में आप थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, उसके बाद सिर्फ इस योगा को कर ले, एक योगा को कर ले, तो इससे आपके पूरे शरीर का फैट खत्म होगा, आपका कमर पतला होगा, आपका पेट का मोटापा जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बस वन एक्सरसाइज आपको करना है, आप एक्सरसाइज बोलो या योगा बोलो। तो आप लोगों को मेरी आज की ये सिंपल सा योगा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।